प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट का भी आयोजन किया था, ताकि प्रदेश का आर्थिक विकास हो और युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बलबिहाल में 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए शिलान्यास किया, ताकि क्षेत्र के युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, जिसके चलते यहां पर लाखों रुपए खर्च कर 5 शेडों का भी निर्माण किया गया, जो मौजूदा स्थिति में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि इन शेडों में पेड़ पौधे उग आए हैं। शेडों के बाहर बने शौचालयों की दिशा भी बदतर हो चुकी है। शौचालय में पक्षियों ने अपने घोंसले तक बना लिए हैं, लेकिन औद्योगिक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहां सुध लेने वाला नहीं है। हालात ये हैं कि शेडों के अंदर लगाए विद्युत उपकरण भी खराब हो चुके हैं और केबल मतलब इत्यादि गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 53 कनाल भूमि का चयन किया गया है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करके सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए कोई काम शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहां पर बने शेड धूल फांक रहे हैं। वहीं स्थानीय एवं पौर पंचायत प्रधान कृष्ण कुमार की माने तो सरकार को यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करवा देना चाहिए, जिससे यहां के क्षेत्र के लोगों को घर द्वार रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं क्षेत्र का भी विकास होगा। अगर सरकार यहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाना चाहती तो इस भूमि पर स्कूल या अस्पताल स्थापित करे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके बारे में 15/1/2015 को उस समय के जो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके करकमलों द्वारा इसका इस जगह का जो था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जो था वो शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसके बाद मैंने जितना जो भी हमारा ये जो बिल्डिंग है 5-6 बने हैं, लेकिन ये एक खंडर की तरह बन के रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस वक्त ये इंडस्ट्री एरिया आया था, इस इलाके को बहुत सारी उम्मीदें थी, और इस पंचायत की जो 53 कनाल जमीन जो थी वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम करवाई गई थी, इस उम्मीद से कि हमारे जो इलाके में 10-15 नियर अबाउट पंचायतें पड़ती हैं, तो उनके लिए यहाँ हमारे भाइयों को रोजगार होगा और ये अच्छा सुचारू रूप से जो है ये कार्य चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो हाल में सरकार है उसके द्वारा भी इसकी कोई सुध जो है वो बिल्कुल नहीं ली जा रही है। आया नहीं है तो यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल या हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा सा ग्राउंड या कोई भी जो भी मैंने यहाँ पर अगर नहीं हो तो हॉस्पिटल, ऐसी जैसी अगर सुविधा या अगर इसी तरीके से इस इंडस्ट्री का काम रहना है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी गुजारिश करूँगा कि नहीं है तो इसको शिफ्ट करके और कोई जो हमारे बच्चों के लिए या स्कूल या हॉस्पिटल या कोई मैदान ऐसी जैसी सुविधा जो है। वहीं स्थानीय निवासी पवन कालिया का कहना है कि सरकार ने यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, यहां पर जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध हो सके। मैं 4-5 पहले राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था, मुख्यमंत्री वो थे, उसमें बिल्डिंग भी बन के तैयार होगी, लेकिन उसके बाद इसकी अलॉटमेंट होनी थी जो आज तक नहीं हुई। अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से ये खंडर बन गया है, करोड़ों रुपया जो है वो बेकार जा रहा है और इसका कोई भी वो नहीं है, औचित्य नहीं है इसका खाली रहने का। तो हमारी मांग ये थी कि इसको या तो अलॉटमेंट कर देते, अगर अलॉटमेंट नहीं होती है, नहीं कोई लेता है, तो इसका कोई और प्रावधान करके कोई और चीज़ इसमें चलाई जाती ताकि इसका उपयोग हो सकता और ये जो लोगों को करोड़ों रुपया लगा है ये हो जाता है। या जैसे आजकल कोरोना में काफ़ी बेरोज़गार लोग आए हैं, तो ऐसे बेरोज़गार लोगों के लिए कोई कार्य करने के लिए यहाँ पे कैसे न कैसे अलॉटमेंट कर दी जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे और ये जो करोड़ों रुपया खर्च सरकार का हुआ है इसका कोई। वहीं बलबिहाल पंचायत के स्थानीय निवासी प्रीतम सिंह का कहना है कि जहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना है, वहां की भूमि और भवन खंडर होते जा रहे हैं।
सरकार को यहाँ की भूमि और भवन का उचित प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि यहाँ पर जल्द औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। ये सारे अगर जगह रोकी या इसका इतना ज्यादा पैसा सरकार ने लाया जो भी सिस्टम है तो ये वर्तों चाहना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा पे हर जगह तो हम बिल्डिंग तैयार करी दिया लेकिन अगला सिस्टम कोई नहीं इस जो ढांचे जो चलाना चाहिए। छोटे छोटे कारोबार कोई भी है जिन्हें कोई एप्लीकेशन दीतियां जेडे चाहते उन्होंने लाट करना चाहिए सिस्टम सारा जी। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है जिसके हालात बहुत ज्यादा खराब है किसी न किसी इस लाट करो तो जिस इलाके का कोई डेवलपमेंट हुआ है कोई कारोबार चल रहा है 60-70 कनाल जमीन बेकार सारी बाउंड करी थी इसका जो कोई मतलब नहीं है। आहंदे पशु चरते थे थी सब कुछ हुंदा था सब ही सारा बंद होया किसी बर्तन च नहीं है जी। तहां सरकार ते बहुत ज्यादा उम्मीद रखदी है कि इसका कोई ना कोई हल। वहीं उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर विजय चौधरी की माने तो बलबिहाल में बनने वाले इंडस्ट्रियल क्षेत्र में शेडों के निर्माण पर 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कुछ मूलभूत सुविधाएं पूरी न होने के चलते विलम्ब हुआ है। इस कारण यहां बने शेडों को अलॉट नहीं किया जा सका है लेकिन अब 4 शेडों की अलॉटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नहीं इसमें जो शेडों पे जो खर्चा हुआ है 71 लाख का खर्चा हुआ है 2.5 करोड़ का नहीं है। तो जो ये जो 71 लाख का खर्चा हुआ था ये क्योंकि जल्दी हो गए थे शुरू में ही मतलब ये कार्य कर दिया गया था तो 15-16 में इसका कार्य चालू कर दिया गया था। तो उसके बाद क्योंकि अप्रोच रोड नहीं थे और ना ही बिजली पानी की व्यवस्था थी तो ये शेड जो है वो हम अलॉट नहीं कर पाए इसलिए थोड़ा मतलब वक्त के साथ इसमें थोड़ी सी ये आई होगी तो वो जो है वो अलॉटमेंट से पहले इनको पूरा ठीक ठाक किया जाएगा चाक चौबंद करके ही इनको अलॉट किया जाएगा। और आज मतलब हमने इसको अलॉटमेंट के लिए भी ओपन कर दिया है इस प्लॉट से इसमें इस क्षेत्र में लगभग 8 प्लॉट बनेंगे जिसमें से हम 4 प्लॉट्स आज की डेट में अलॉट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ 7 के 7 सेट जो हैं इनको भी अलॉटमेंट के लिए मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र अपने प्रोजेक्ट्स जमा करा के ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं ऑफलाइन भी इसको ये किया जा सकता है अलॉट किया जा सकता है एप्लीकेशन दिया जा सकती है। तो आप हमें एप्लीकेशन या तो इस कार्यालय में दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसके लिए हमने अलॉटमेंट चालू कर दी है।